नमस्कार मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से विगत कुछ दिनों से हम लोग सितांशु ईश्वरचंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं और इस बहाने साहित्य पर, रंगमंच पर, आलोचना पर, सिनेमा पर बात कर रहे हैं, उनकी रचनाओं से गुजर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं को जोड़ रहे हैं। इस श्रृंखला में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, बांग्ला, फिल्म आदि विधाओं और विषयों से जुड़े हुए लोग आए। आज हमारे विशेष निवेदन पर स्वयं सितांशु ईश्वरचंद्र जी हमारे साथ हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, इस श्रृंखला की और इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला के इस अंतिम कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि और लेखक अरुण कमल जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अरुण कमल जी अमूमन ऑनलाइन कार्यक्रमों में आने से बचते हैं। जनसुलभ पुस्तकालय पर कई बार हमने निवेदन किया, मगर उनकी अपनी कुछ व्यस्तता रही और ऑनलाइन कार्यक्रमों के प्रति उनकी अपनी एक राय भी है। मगर आज जब सितांशु जी की बात हुई और हमने उनसे कहा तो वे ना कह सके, इसके लिए अरुण जी का धन्यवाद। सितांशु ईश्वरचंद्र जी और अरुण कमल जी गुजराती और हिंदी के लेखक नहीं है, ये ऐसे भारतीय लेखक हैं जो एक साथ कई भाषाओं में पढ़े जा रहे हैं, भारत में भी और भारत से बाहर भी। इन दोनों का सहचर्य भी सुदीर्घ है और इनके संबंध कई स्तरों पर चलते हैं। आज जो यह बात कही होगी, दो कवियों की बात कही होगी, हम उसमें ऐसे कई रंग देखेंगे जिनमें इनके परस्पर संबंध भी आएंगे, साहित्य भी आएगा और कई सारी चीजें आएंगी। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अरुण कमल जी से आग्रह करता हूं कि वे कृपया अपनी बात रखें और हम एक कवि को दूसरे कवि से सुनते हुए खुद को भी आनंदित महसूस करेंगे, खुद को भी लाभान्वित महसूस करेंगे। अरुण कमल जी, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय मित्र, अपने बेहद प्रिय कवि, अपने अग्रज, भारत के महान कवि और विश्व कविता के एक स्तंभ श्रद्धेय सितांशु ईश्वरचंद्र जी को उनके अस्सीवें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ और प्रणाम करता हूँ और उनके सुदीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन, सपरिवार स्वस्थ सुदीर्घ जीवन की अपनी ओर से और सभी उनके पाठकों की ओर से और हिंदी के सभी उनके प्रेमियों की ओर से मैं शुभकामना देता हूँ। इसके साथ, इसके पहले कि मैं उनसे कुछ बातचीत शुरू करूँ, अर्पण कुमार जी जो खुद बहुत अच्छे कवि हैं और इतनी मेहनत से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी आभार देता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि एक कवि की दूसरी कवि से बातचीत नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल एक कवि ही बोलेंगे और मैं उनके एक पाठक की तरह और बहुत सहृदय पाठक की तरह उनसे कुछ जिज्ञासा कर प्रश्न करूंगा, ये मैं नहीं कर सकता, केवल जिज्ञासाएं कुछ होंगी और आज उनका दिन है, हम उनको सुनेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी अपनी कविता
उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कहा जाता है और मुझको बतलाया मेरे कवि मित्र मनोज झा ने कि जो 80 साल पूरा करता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सहस्त्र चंद्र देखे। तो मैंने जोड़ के देखा तो सचमुच 1000 पूर्ण चंद्र वो व्यक्ति अपने जीवन में देख चुका होता है। सितांशु जी, बस 2 रातों के बाद 1000वां चंद्र देखें। आज तो है ही उनका दिन और पूर्णिमा का चंद्रमा रविवार को होगा। तो उन्होंने 1000 चंद्र देखे, सहस्त्र चंद्र। इसी को लेकर मैंने एक बहुत ही छोटी सी कविता लिखी जिसमें जिज्ञासा भी है और बहुत ही निजी तरह की जिज्ञासा है। पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। कविता तो मामूली है लेकिन जिज्ञासा है मेरी कुछ। जिसने सहस्त्र चंद्र देखे, जिसने हजारों रातें देखी, टूट के गिरते तारे देखे, तारों के मधु छत्ते देखे, अंधेरा भी उतना देखा जितना कि उजियाला देखा, उसी से, हाँ उसी से पूछता हूं, कौन सा है चंद्र अब तक याद तुझको, कौन सी रजनी रहस्यों भरी अब तक साथ तेरे, कौन सी थी रात सबसे अंधेरी हिंस मान, कौन सा था निष्कलुष सबसे पूरा धवल जान। इसी के साथ मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी ये जिज्ञासा है कि कौन सा चंद्रमा उनको सबसे ज्यादा आज याद आ रहा, कौन सी रात, कौन से अंधेरे और कौन सी पूर्णता। सर, मैं उनको सर कहता रहा इसलिए कि वो शिक्षक भी तो हैं और अभूतपूर्व शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक जिसने न केवल विश्वविद्यालय के प्रांगण में, विश्वविद्यालय के प्रांगण के बाहर कई पीढ़ियों को दीक्षित किया, जिसमें मेरे जैसे लोग भी हैं। अभी रजा फाउंडेशन और राजकमल प्रकाशन से उनकी 2 किताबें आई हैं हिंदी में, आलोचना पुस्तकें, वो अद्भुत हैं। और भारतीय, वर्तमान भारतीय आलोचना को उनका योगदान इन पुस्तकों के जरिए समझा जा सकता है। अभी उनकी कविताओं के हिंदी अनुवाद की एक किताब भी बस आजकल में आने वाली है या शायद आ ही गई होगी, जटायु तथा अन्य कविता। तो ऐसे में मेरा ये सवाल तो नहीं बस जिज्ञासा है कि सर आप उस चंद्रमा उस रात के बारे में बताएं। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। अर्पण जी, आप देखिए कि आप जो गोष्ठी का आयोजन करते हैं उसमें भारत के एक बहुत बड़े कवि, मेरे बहुत प्रिय कवि, शक्तिमंत कवि प्रश्न किस तरह से पूछते हैं, क्योंकि ये सारी बात जो कविता है तो कविता या तो साहित्य उत्तर की बात है ही नहीं। जो प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है अपने समय में, ऐसे प्रश्न पूछना उसका ही नाम कविता है। अरुण कमल जी इतने सशक्त कवि है और विद्यार्थी के और युवान अध्यापक के रूप में
उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं कि राज्यादि सत्ता उनके प्रति बहुत प्रसन्न नहीं थी, अप्रसन्न थी। तो ऐसे ऐसा एक जुझारू कवि एक जब प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले मुझे ये मेटाफर बहुत सोच में मुझे डाल देता है कि मेरा प्रिय कवि मुझे क्या पूछ रहा है। पूछता है कि कौन सा चंद्र कौन सी अंधेरी रात। तो एक तो ये कि बहुत से आकाश होते हैं और बहुत से आकाशों में बहुत से चंद्र होते हैं और अंधेरा भी अलग अलग तरह का होता है। तो पहली एक कवि के पर पहली जो उत्तरदेहिता है वो अपने आकाश की बात करने की उत्तरदेहिता है, क्योंकि वाणी के छल हमें अपने आकाश के अंधेरे को और अपने आकाश के चंद्र को बिना देखे, बिना कन्फ्रंट किए कोई और बहुत से आकाशों की बात करने को लालायित करती है। तो अरुण जी, पहला तो ये कि मैं ये इस वित्तेषणा और लोकेषणा अपनी जो है उसको थोड़े वश में रखकर ये करता हूं कि भाई मुझे मेरे आकाश को देखने दो। ये मैं घर में जहां बैठा हूं उसके, ये बड़ौदा शहर के, ये गुजरात के, ये भारत के, उतने आकाश को, उसके चंद्र को, उसके अंधियारे को देखते देखते तो 80 साल ऐसे निकल गए और बहुत बचे नहीं है अभी। तो अभी तो दूसरी रोमांटिक कविता है या तो प्रतिबद्ध कविता है। तो रोमांटिक कविता अपने आकाश को देखती नहीं है, कहीं और चली जाती है, और प्रतिबद्ध कविता जो है वो जिस तरह से आकाश को देखने का कोई एक विचार सरणी, एक आइडियोलॉजी जो आदेश देती है, उसी तरह से आकाश को देखना है। सोवियत यूनियन में क्या हुआ था और अभी हमारे यहाँ भी अलग तरह से ये शायद होगा। ऐसे समय में एक तो अपनी आंखों से अपने आकाश को, अपनी आंखों से अपने चंद्रमा को, अपने आकाश को, अपने अंधेरे को देखना, जैसे अरुण जी आजीवन करते आ रहे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है कि भारत का हर जवाबदेही कवि और अपने जात के साथ अप्रामाणिक न हो ऐसा कवि ये कहता है, अपना आकाश, अपना चंद्र, अपना अंधेरा, उसको तो जरा देखने तो, उसकी थोड़ी बात करने तो, बाद में कहा और दूसरे आकाशों में, दूसरे चंद्र पर हम जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। सर, हमने तो आपके जन्म स्थान भुज में आपके साथ ही कुछ दिन बिताए और कच्छ के रण में भी हम गए और वो पूर्णिमा की रात थी, पूरा चंद्रमा था और वहां की पूर्णिमा का अद्भुत रहस्य होता है। और मैं लगातार यही देखता रहा कि सितांशु एस एस चंद्र की कविता में ये पूरा वितान, ये पूरा जीवन, प्रकृति की सुषमा, नदियां और इतना जल है और इतने पौराणिक प्रसंग हैं। जटायु एक अद्भुत कविता है और साथ साथ एक वैश्विक भाव बोध है। इतना कैसे संभव होता है? उनकी आलोचना को पढ़ते हुए भी ये लगता है कि एक तरफ तो संपूर्ण संस्कृत वांग्मय है और पंडित जगन्नाथ आनंदवर्धन सब, और साथ साथ
होमर से लेकर जो पाश्चात्य परंपरा है वो भी है, और होमर का इतना सुंदर अध्ययन जो हमारी समझ से हिंदी में तो नहीं है और गुजराती के माध्यम से अंशु जी के माध्यम से आया। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये कैसे संभव होता है कि दो ध्रुव भूलोक के और अनेक परंपराएं एक साथ आकर आप में मिलती है, और जैसे कि एक चौराहा है जहां बहुत से रास्ते आते हैं और आपकी कविता वहां आकार लेती है। ये मैं आपके सृजनात्मक प्रक्रिया के बारे में सुन रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सा बोध है कवि की, वो कौन सी इच्छा है जो उसको इन सारे रास्तों पर लिख सकता है। सर आदरणीय सितांशु जी, उमाशंकर जोशी की एक कविता है, एते केवो गुजराती जे हो केवल गुजराती। वो तो कैसा गुजराती जो केवल गुजराती हो। भारतीय न्याय परंपरा में, तर्कशास्त्र में एक कल्पन है, वो चंद्र का ही है। वो कहते हैं कि आकाश में पूर्ण चंद्र जब खिलता है और जमीन पर अनेक पात्रों में विभिन्न जल अलग अलग रखे गए हो, कोई शीत हो, कोई उष्ण हो, कोई हरित वर्ण का हो, कोई लाल वर्ण का हो, तो अलग अलग सब जल बिखर जाता है। लेकिन जब पूर्णचंद्र ऊपर उगता है तो उसका प्रतिबिंब हर जल पात्र में पड़ता है, और वो प्रतिबिंब की जो अपनी सत्ता है वो वास्तव की सत्ता से थोड़ी अलग है। वो प्रतिबिंब की सत्ता से वो सारे जल पात्र जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि केवल गुजराती न होना और भारतीय होना, हिंद भूमि ने नामे जैनी उछड़े ना छाती। वो हिंद भूमि की अगर हम बात करें, भारतीय होना क्या है, हर प्रजा अपनी तरह से मानवीय प्रजा ही है। कभी कभी उनका बुरा समय आता है, कभी कभी अच्छा समय आता है, लेकिन भारतीय क्या होना, वो उसकी हम जब बात करें तो ये विविध रंग के, विविध उष्णतामान के जलपात्र और उसमें एक बिंब हो, किसी का उष्णतामान बदलता नहीं है, किसी का रंग बदलता नहीं है, लेकिन हर पात्र में उसका बिंब प्रतिबिंबित होता है और जुड़ता है। इसी तरह से जब मैं सोचता हूँ कि भारतीय होना क्या, वो अलग अलग पात्रों इस तरह से किस बिंब के प्रतिबिंब से जुड़ते हैं, तो मुझे बड़ी आश्चर्य की बात आती है कि भारत ही ऐसी प्रजा है जो एक ही अपने प्राचीन कोई चंद्र को लेकर ही उसका प्रतिबिंब नहीं करती है। भारतीय आकाश इतना विशिष्ट प्रकार का है, अलौकिक है, उसमें विविध चंद्र उगते हैं, विविध बड़े बड़े तारे भी उगते हैं, और वो सबका प्रतिबिंब ये भारत, विशाल भारत भूमि के अलग अलग जलपात्रों में, कोई कहे हिंदी नामक जलपात्र, गुजराती नामक जलपात्र, बंगाली नामक जलपात्र, या तो कश्मीरी आदि मलयाली जलपात्र, तो ये जलपात्रों में जो आता है ना, वो साझा तो है लेकिन केवल एक नहीं है। संस्कृत की ही बात दो तो संस्कृत केवल एक कभी थी ही नहीं, संस्कृत के साथ हमेशा प्राकृत थी, और छठी शताब्दी के बाद तो अपभ्रंश भी जुड़ गई उसके से, और 12वीं शताब्दी तक, अभी एक क्लासिकल लैंग्वेज की बातें चल रही है भारत में, और हर भाषा होड़ में पड़ी है कि हम पुराने,
लेकिन एक बात सोचो कि हर भारतीय भाषा या तो प्राकृत में से आई है या तो अपभ्रंश में से आई है। मराठी मराठी प्राकृत में से आई है, गुजराती गुजराती अपभ्रंश में से आई है, आदि हिंदी गुजराती राजस्थानी तो सहियारा है, साजी है। मेरा मूल कहना यह है कि मुझे ये भरत के नाट्य शास्त्र में भी दिलचस्पी है और इमैनुअल कांट में भी है। मेरे दो जो पीएचडी किए हैं वो इसी तरह से किए हैं कि भारतीय नाट्य शास्त्र में जो कला के स्वरूप की विभावना है और इमैनुअल कांट के एक बाजू हेगल और मार्क्स आए, दूसरी ओर शोपेनहावर और निश्चय आए और अलग अलग, तो ये सब जो है वो भारत ऐसा देश के उसके आकाश में सबका स्वागत है और कोई आकाश को हथियार नहीं ले सकता है। और ये सब होमर हो या कांट हो या दांते हो या गेटे हो या टीएस एलियट हो, सबको प्रवेश ने की अनुमति है और सबको सबका एक प्रतिबिंब बन जाता है। बिंब नहीं रह सकता, यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। एक प्रकार की अलग लौकिकता नहीं अलौकिकता, इसलिए कोई अलौकिक यानी ऐसा नहीं है कि लोगों के सुख दुख में भाग न लो, ऐसा नहीं है। अलौकिक यानी जो बिंब है उसका प्रतिबिंब करना, इसलिए कि बिंब तो ऊपर एक ही है लेकिन प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं और वो अनेकता पूरे भारत की विविधता को जोड़ती है। वो कबीर उसको मुन्ना कहते हैं, ये अपने नदियों के तीर्थ की बात आती है, जब दो या तीन नदी मिले तब तीर्थ बनता है। तो जो मिलाप है और वो मिलाप में भारतीय बिन भारतीय ऐसा नहीं है, यहाँ इतनी ताकत है यहाँ कि कोई भी आए। रविंद्रनाथ ने कहा था कि यहाँ सब आओ, भारतीय महामानव सागर तीरे। तो ये बहुत प्राचीन समय से ये भारत का प्रयोग रहा है, सत्यना प्रयोगो, यही है, एक सत्य है लेकिन प्रयोग अनेक है। तो इसलिए मुझे होमर में भी अपना लगा, होमर का प्रतिबिंब, इसलिए मैंने मेरे पहले काव्य संग्रह को ही ओडिसियस तू हलेसु ऐसा नाम दिया, क्योंकि होमर का एक जो मिथ था मुझे लगा कि ये अपना ही है। और इमैनुअल कांट पर मैंने पीएचडी किया और जगन्नाथ पर दूसरा पीएचडी किया, तो कोई ज़्यादा डॉक्टरेट लेने के लिए नहीं, लेकिन एक शोध चलती थी और कविता के शोध और विद्वत्ता के शोध अलग अलग नहीं है, एक ही है। कविता केवल रोमांस की बात है, हृदय की बात, और ये जो शोध है वो दिमाग की, ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंदर सब हिलमिल कर रहता है, मनुष्य के भीतर भी बुद्धि और हृदय ऐसा अलग देख, कविता और संशोधन अलग देख कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी एक, क्योंकि मुझे जानना है, एक दूसरी कविता में मैंने कहा कि भी 80 के हो गए अभी जानती नहीं कि क्यों यहाँ आए हैं। तो उसका मेटाफर ऐसा लिया कि हमारे थैले में कौन सा खत है वो जाने बिना जी हाँ हम पोस्टमैन की भाग। तो ये जो बुद्धि और हृदय की साझा प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है, जानना है हमें, और कोई आइडियोलॉजी के पास से नहीं, आइडियाज के पास से। और आइडियाज एंड इमोशंस वो अलग अलग नहीं है। तो ये सब जैसे आपकी वो कविता में जिसके बारे में मैंने तीन लेख लिखे हैं, वो एक शायर की कब्र और वहाँ सोता है, वो सोता सोता वो शायर ऊपर जो कुछ हो रहा है वो जानता है, उसमें पार्टिसिपेट, वो मर नहीं गया है, उसकी कब्र है। तो ये जो एक एक साझापन है मृत्यु और जीवन में भी आपकी कविता तो अद्भुत कविता है। मेरा भी ऐसा ही कुछ सत्य के प्रयोग मेरे भी ऐसे चले हैं। जी अरुण जी, अरुण कमल जी आज आ रही है,
सर आप हाँ जी हाँ आवाज मेरी आ रही है आवाज आ रही प्लीज। है? हाँ हाँ जी जी आ रही है जी। आपने विधानसभा की गुजराती भाषा के बारे में कई जगहों पर अपना प्रेम अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। फ्रैंकफर्ट पर जो कुछ सवाल आपसे किए गए उसमें ये भी था कि आप किस भाषा में लिखते हैं और उसमें क्यों लिखते हैं। आपने बहुत ही कही कि ये मुझको मेरे अंदर की दुनिया से जोड़ती है ये भाषा। अनेक शताब्दी जो बीत चुकी होती हैं और साथ साथ आपने गांधी जी का लिया और कहा कि भाषा जो गांधी जी को व्यक्त करने के लिए सक्षम थी। आप कह रहे हैं और ये वाक्य मैं उद्धृत कर रहा हूं, मेरे पास तो लर्न के लिए और गुजराती भाषा है, मुझे तो भाग गई है भाषा यानी कि जी मानव की भाषा। तो ये दो लगता है, हालांकि महाभारत और ओडिसी के संदर्भ से विस्तार से इस पर बात की है और वो बहुत ही मनोरम लेख जिसकी कर्वे का भी आपने उल्लेख किया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रेम करने के लिए ये दोनों कैसे होती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने कवि ने कहा था कि उतरा है एक तरफ पानी से तरफ आग है। तो ये प्रेम जो आपने कहा इसको थोड़ा सा बतलाएं हम लोगों को, ये कविता में कैसे संभव होता है। जी कुछ आवाज की दिक्कत है तरुण जी की ओर से। सुधांशु हाँ थोड़ा जी उनके प्रश्न पूरे हो गए हैं जी, तो इस पर बात को आगे बढ़ाई जा सकती है। थोड़ा पूरा उसका मर्म मैं ऐसा समझा हूं कि गुजराती भाषा में लिखना वो क्या है ये, अथवा तो अरुण जी के प्रश्न अगर अर्पण जी मुझे बताए, क्योंकि उनका आवाज मैं सुन सकता हूं, तो अर्पण जी थोड़ा मुझे कहे। अर्पण जी हेलो। जी वो आवाज थोड़ी सी कट रही थी अरुण जी की। अरुण हाँ जी आवाज आ रही है क्या अभी? ना मैं पूरा सुन नहीं पाया, इसलिए जी। आप उसका मर्म मुझे कहिए प्रश्न का। नहीं मेरे साथ भी यही समस्या हुई, अच्छा वो आवाज उनकी बहुत कम आ रही थी। मैं पुनः अनुरोध करता हूं अरुण जी से कि क्या अच्छा तो उनकी मैं वो वाक्य पढ़ते हाँ जी अरुण जी कुछ बोले। वो जी। ठीक आपकी है आवाज काफी कट रही मैं थी। उस वाक्य को बाकी तो मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि उसमें फिर समय जाएगा। हाँ मैं सिर्फ वो वाक्य पढ़ता हूं मेरे पास के लिए मुझे यानी कि मानव की भाषा तो लड़ने के लिए और प्रेम करने के लिए इसका क्या अर्थ। एक कवि ये दोनों का कैसे करता है क्या? जी मेरी बात आप तक पहुंच गई? यस जी लड़ना और लड़ना प्रेम और करना प्रेम का दोनों और कैसे भाषा। संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल
हम तो अपने ही समय में और अपने ही स्थल में जी सकते हैं। अगर कोई को ऐसा महसूस होता है कि इटर्नल यानी अपने समय का छेद उड़ाने वाला और यूनिवर्सल यानी अपने स्थल का छेद उड़ाने वाला कुछ है, तो मैं बहुत संक्षिप्त मुझे बहुत संशय होता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों इटर्नल की बात कर रहे हैं, क्यों यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, क्यों परफेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो तीन शब्द है वो मुझे हमेशा अलर्ट करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारा ध्यान, वहाँ जो समस्या है उस पर से हमारा ध्यान हटाना कोई चाहता है, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जीवन क्या है और मेरे जीवन को प्रफुल्लित करने वाले और मुरझाने वाले परिबल कौन से हैं, और वो उनको उन परिबलों से मैं जूझूंगा, और जो प्रफुल्लित करने वाले हैं मेरे यानी सबके हमारे, तो गुजराती में आपने शब्द है यानी सबको सम्मिलित करके, हम नहीं द अदर एंड आई बोथ वुड बिकम आपने। तो ये तो इसलिए ये एक गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क ऐसा एक फिल्म है, उसमें यंग जीसस क्राइस्ट है वो अपनी लकड़ी लेकर भूखा हो गया है तो एक फल ढूंढता है और एक पेड़ के पास जाता है, तो पेड़ को तो फल होने चाहिए लेकिन इस पेड़ को फल नहीं है, तो अपनी लकड़ी से बहुत ढूंढता है कि क्या है क्या है, फिर उसको मिलता नहीं है तो वो वृक्ष को श्राप देता है कि तेरा काम है फलित होना, तो क्यों फलित नहीं होता है। तो कवि का भी काम फलित होना है, हमें 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 सफल हो, सफल यानी दूसरे अर्थ में नहीं, लेकिन हमें पुष्पित होना है, हमें फलित होना है, हमें सर्जन करना है, वो हमारा काम है, नहीं किया तो नहीं चलेगा। तो सर्जन करने के लिए ये हंसना और रोना, ये युद्ध करना और स्नेह करना, वो दोनों अनिवार्य है। जो केवल स्नेह की बात करता है वो अपने स्थल काल से बिछड़ जाता है, कहीं कुछ गैब में, कहीं कुछ अध्यात्म में निकल जाता है। मैंने बहुत से अच्छे कवियों को इस तरह से, ये भारत की एक कुटेव है खास प्रकार का अध्यात्म कुटेव है, वो अपने समय से उसको बिच, इसीलिए वो परफेक्ट। और मानव जात में हर जगह ये ही है। अब तो ये संघर्ष तो अनिवार्य है, लेकिन जब संघर्ष किसी और लोग सोचते हैं और हम संघर्ष करते हैं, इस तरह की जब बात बनती है जो बहुधा पॉलिटिकल संघर्ष में आ जाती है, राइट हो या लेफ्ट हो, तब ये स्नेह करना और ये युद्ध करना, संघर्ष करना, वो दोनों का जुड़ाव मिट जाता है। बिल्कुल संघर्ष करो कविता के भीतर और कविता के माध्यम से जगत के भीतर, संघर्ष करो पूरा, लेकिन वो स्नेह को छोड़े बिना, क्योंकि अगर स्नेह को छोड़कर संघर्ष करेंगे तो कोई विचार, कोई आइडियोलॉजी के अनुसार करेंगे। रशिया में तकलीफ हो गई, चीन में तकलीफ हो गई, अफगानिस्तान में तकलीफ हो गई, क्योंकि सोचने वाला एक और दूसरे सबको उसके अनुसार करना ही है, ऐसा नहीं। उमाशंकर की एक कविता में कहते हैं कि तूने मुझे तीन चीज दी दी है, मस्तक हयू ने हाथ, मस्तक सोचता भी मैं हूं, हयू अनुकंपित भी मैं होता हूं, और हाथ कार्य भी मैं करता हूं। तो तीन चीज मुझे तूने दे दी है, जा बीजू नथी मांगू, अब तेरे पास मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उमाशंकर ईश्वर को कहते हैं। तो अभी तो हमारे बहुत से ईश्वर हो गए हैं आज के पृथ्वी पर, आज की संस्कृति में कितने कितने ईश्वर हो गए हैं, कितने कितने प्रभु सत्ता हो गई है। तो ये प्रभु सत्ता को हम एक ही कहते हैं, अगर हम मनुष्य है सच्चे और सच्चे सर्जक है,
तो एक ही कहते हैं कि भाई तीन चीज हमको मिल गई है, मस्तक हयू ने हाथ, अभी और कुछ मत दो, और कुछ आज्ञा मत करो, और कुछ राष्ट्रभावना की भी बोध हमें न करो, छोड़ दो, हमें प्रजा है, हम समाज है। तो मिशेल फुको के व्याख्यान है, उन्होंने सोरबोन में दिए थे, सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड। तो कवि का ये भी काम है, यानी समाज सेवा नहीं, लेकिन सत्ता का केंद्र बम्बई के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, सत्ता का केंद्र दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं, सत्ता का केंद्र कोई बड़ी मस्जिद, बड़े मंदिर, बड़े गुरुद्वारा में नहीं, वो बिखर जानी चाहिए सत्ता। और सत्ता का अर्थ भारतीय परंपरा में कितने अच्छा किया है, सत्ता यानी होना, ऐसा उसका अर्थ होता है, सत्य में से सत्ता शब्द आया है। तो जो पावर है वो होने के साथ जुड़, ये सारी चीज पूरा साहित्य तो करता है, लेकिन भारतीय परंपरा में कविता करती है। ये कविता का ये काम है कि स्नेह भी करना और संघर्ष भी करना। तो इसीलिए हमें ये स्नेह और संघर्ष के बीच जो स्किज़ोफ्रेनिक दरार पड़ गई है आजकल, वो स्किज़ोफ्रेनिया में से हमें निकालना है। और वो स्किज़ोफ्रेनिया इसलिए हो गया है कि आर्थिक विचारणा, राजकीय विचारणा और धार्मिक विचारणा के ढांचे बहुत सख्त हो गए हैं। उन लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि इससे कल्याण हो जाएगा जगत का, और हम चारों ओर देख रहे हैं ये तालिबान क्या कर रहा है, बेचारा अफगानिस्तान का कल्याण करने के लिए निकला है। लेकिन इस तरह से न करो कल्याण, छोड़ो उनको, मनुष्य जाति है, आस्ते 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 अपना, श्री अरविंद जैसे कहते हैं, आस्ते आस्ते करती है भीतर से। विवेकानंद बहुत अच्छा कहता है, डेवलपमेंट नहीं ग्रोथ। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद करके ग्रोथ प्रोजेक्ट्स चालू करना, वो बात कहने का जो शब्द है वो केवल कवि या साहित्यकार के पास है। इसीलिए भामह ने कहा है शब्दार्थौ साहित्यौ काव्यम। तो वैसे तो शब्द और अर्थ हर जगह होता है, साथ में ही होता है, नहीं तो निरर्थक वाणी हो जाएगी। लेकिन वो अर्थ का भी पूरा प्रस्फुटन और शब्द का भी पूरा प्रस्फुटन, और शब्द है वो अर्थ के दास न बन जाए, अर्थ कहा और जगह मैन्युफैक्चर हो और फिर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को शब्द के माध्यम से ले जाना, ये नहीं है। अभी कविता के पास भी ये राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता आज के भारत में यही काम करवाना चाहती है। मीनिंग इज मैन्युफैक्चर्ड समवेयर एल्स एंड राइटर्स आर सपोज टू कैरी दैट रेडीमेड मैन्युफैक्चर्ड मीनिंग इन वेरी इफेक्टिव वर्ड्स। वो बात ही प्रजा के लिए अच्छा होगा, कैसी प्रजा होगी ये जो अपने आप सोचती नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे खलते में क्या आपने डाला है वो मुझे जानना है, उसके बाद मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये सारी स्नेह और संघर्ष के संबंध की मेरी सोच है। मैं बिल्कुल ऑफ द मार्क हो भी सकता हूँ, मनुष्य हूँ, लेकिन मैं जोखिम खेलना चाहता हूँ। जैसे अरुण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। जी अरुण, अभी अरुण जी का आवाज भी आ रहा है ठीक से। एक और बात है, बात करेंगे, वो जुड़ी हुई बात ये है। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी, आवाज अब तक इंटरनेट का कनेक्शन और है थोड़ा आपके यहाँ कमजोर है, मगर आवाज आ रही है। अरुण जी आगे बढ़े। जी होंगे कि अरुण जी, मित्रों
हाँ एक जी लाभकारी पुरस्कार अस्वीकार किया था और अस्वीकार करते हुए पत्र उन्होंने लिखा था। ये पत्र संत लेख कलाकार के लिए घोषणा पत्र जैसा है। उसमें तो बहुत से वाक्य हैं जो मुझको बार बार याद आते हैं कि सिर्फ पढ़ता हूं, और बहुत संक्षेप में के बारे में थोड़ा सा बता दें। शरणागति तथा निरीक्षण पर चेतना एक दूसरे के लिए विघातक है। शरणागति पर चेतना एक दूसरी के लिए विघातक है, जैसे कि संघर्ष और प्रेम। बिल्कुल, बहुत अहम, जैसे क्या ये हिंदी में समतुल्य है या उससे भिन्न है, और ये क्या, आप बस थोड़ा थोड़ा सा बस प्रकाश डालें बस। जिस हिंदी में अहम बात ऐसा, शरणागति, मैं समझ गया, शरणागति और निरीक्षाशील विचार, वो परस्पर विघातक है। जब मैं मध्यकाल के महान कवियों को पढ़ता हूं, तब रोमांचित हो जाता हूं कि कितने अद्भुत संघर्षशील थे वो। कबीर हो, तुलसी हो, नरसिंह मेहता हो, मीरा हो, आंडाल हो, लाल देद हो, तो उनको समझने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं, क्योंकि वो तो सब शरणागति के बड़े वाहक थे। तो फिर मैंने सोचा जी कि किसके शरण में जाए। किरीट किरीट मुकुट दरोशीस, ऐसा करके राम के शरण में तुलसीदास जाते हैं, कृष्ण भी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा आदि आदि, तो वो तो सारे शरणवा हुए। और फिर भी इतने जुझारू थे वो कि हम जैसे कि संघर्षशीलता तो कुछ उसके पास बिसात में नहीं है। तो ये प्रश्न मेरे मन में मध्यकालीन साहित्य के बारे में आया। उसमें से मुझे ऐसा लगा कि ये जिसका शरण लेते हैं वो उनके ही चैतन्य का एक उद्गार है, यानी नरसी का एक पद है, हूं खरे तू खरो, हूं न तो तू नहीं, हूं विना तू तूने कौन कहशे, हूं खरे तू खरो, अगर मैं हूं तो ही तू सच्चा है, हूं खरे तू खरो, हूं विना तू नहीं, अगर मैं नहीं हूं तो तू भी नहीं है। और तू तीसरा चरण है, इतना अद्भुत है, हूं विना तू तूने कौन कहशे, अगर मैं नहीं हूं तो तुझे तू कौन कहेगा, तुझे अपनी आइडेंटिटी कौन देगा, मेरे संबंध में से तेरी आइडेंटिटी आई है। नरसिंह के इस पद में से मुझे पूरे मध्यकाल के अद्भुत भक्ति साहित्य की एक उसको पामने की, उसको उसको प्रतीत करने की एक किल्ली मिल गई, साधन मिल गया। तो ये है कि वो शरणागति जिसको मध्यकालीन कवि अपने अपने करते हैं, वो अपने ही चैतन्य की जो एक, और एक सामूहिक चैतन्य का भी एक जो है उसको, अभी उसके विकल्प में दूसरे प्रकार की शरणागति की भी बात है। राजा हो या बादशाह हो या कंपनी सरकार हो या तो आदि आदि पॉलिटिकल, तो वो शरणागति को अगर हम न मानना चाहे और फिर भी संघर्ष करना चाहे, तो शायद मीरा को अपना गिरधर मिल गया, नरसी को भी अपना कृष्ण मिल गया आदि आदि, लाल देत को शिव मिल गया आदि। तो इस तरह से एक कंस्ट्रक्ट अप बनाकर हम लड़ सकते हैं। तो इस तरह की शरणागति को हम समझ सकते हैं, और बड़े बड़े
गांधी जी भी राम नाम देते ही वो नोवाखले में घूमते थे और गोरसे के सामने भी राम नाम देते ही। तो वो एक परात्पर नहीं है लेकिन भीतर का ही है, अपना ही कंस्ट्रक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। जी अरुण जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और ये जो मूलभूत प्रश्न अरुण कमल जी की ओर से आ रहे हैं, तो इस कलश का एक जी इनकी तहों में जाएं, इनके पीछे के निहितार्थ को देखें, ये कितने प्रासंगिक विषय हैं, ये कितने महत्वपूर्ण विचार हैं जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं और जिन पर एक एक करके अरुण कमल जी श्रीतांशु जी से बातचीत कर रहे हैं। अरुण जी कृपया आगे अपनी बात रखें। अरुण जी, श्रीतांशु जी, अरुण कमल जी की कुछ समस्या है इंटरनेट की। हाँ, आवाज आ रही है। माइक को ऑन कर लें अरुण कमल जी। अरुण जी माइक को अनम्यूट कर लें, माइक को अनम्यूट कर लें। हाँ, तो ये हमारे तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, इन सभी का धन्यवाद। लगातार आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अरुण जी माइक को ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें। अरुण जी की एक काव्य पंक्ति में से हाँ एक सवाल उठाकर मैं अपने आप को ही अरुण जी के रूप में ढालकर प्रश्न पूछूंगा। अरुण जी का प्रश्न, यह एक रचनात्मक समाधान होगा। रचनात्मक समाधान होता है। तो अरुण जी की विख्यात पंक्ति है, भारत भर में ख्यात है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो सितांशु जी, आप हमें बताएं कि लोहा जब उन लोगों का होता है तो धार अपनी कैसी हो सकती है? और ये प्रश्न अरुण जी की कविता के मर्म में है और भारतीय समकालीन भारतीय कविता के भी मर्म में है, क्योंकि हम यूरोपीय, वो 19वीं सेंचुरी के यूरोपीय कवि थे, लोक लाडीले, राज्य के लाडीले, ऐसा तो हमारे भाग्य में नहीं आया है। बड़ा कॉलोनियल पीरियड आया, अभी भी इतना अच्छा नहीं है। तो लोहा तो उनका ही है, फिर भी अरुण कहते हैं, अरुण कमल कवि कहते हैं कि भाई लोहा अपना हो, आपका हो, वो हम, आप समर्थ है, आप हमें नहीं देंगे। जो कच्ची धातु जो है, जो रॉ मटेरियल है कविता का, वो आपके वश में है, ठीक है, लेकिन वो रॉ मटेरियल है और हम उस पर जो प्रक्रिया करेंगे, हम अपने वो सरान गुजराती में कहते हैं, वो स्टोन पर उसको घसेंगे और बहुत तकलीफ होती है वो लोहा लेकर ऐसा घसने की और धार निकालने की। लेकिन 20वीं और 21वीं शताब्दी की भारतीय कविता की और खास तौर पर स्वातंत्रोत्तर भारतीय कविता की जो मूल चुनौती है वो ये है कि सारा लोहा उन लोगों का, फिर भी अपनी धार और केवल धार कैसी बनानी। ये अरुण जी मुझे तो दो चीज छोड़ दी चाहिए जो अर्पण कुमार के व्यक्तित्व में देखता हूं, लोकेशना और वित्तेशना। और लोगों के काम करो, अपना काम मत करो, भारतीय साहित्य का काम दिन रात किया करो, एक के बाद ये जनसुलभ पुस्तकालय में कार्य करो। वो क्या है, वित्तेशना और लोकेशना पर आपने एक नियंत्रण ले लिया है। हेलो, जी जी आवाज आ रही है। अगर हम, अरुण जी आप बोल सकते हैं अभी? हाँ, वो वापस जुड़े हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें। समय पूरा कर लूं तो, जी। तो, तो, तो
तो ये जो कवि कर्म है, अभी 21वीं शताब्दी के भारतीय कवि का जो कवि कर्म है वो ये है कि अपने ही बलबूते पर, जिन सामग्री पर अपना अधिकार नहीं है, कोई रेवोल्यूशन हम नहीं कर पाते हैं, कोई फ्रीडम स्ट्रगल हम नहीं चला सकते हैं, इतना संकुल है समय हमारा कि वास्तव के तंत्र को और शक्तियों ने हथिया लिया है। जी और वास्तव जी अधिकार आने का संभव कम है अभी, ऐसा मैं देखता हूं। फिर भी जैसे मीरा आदि कहते थे कि भाई उस समय भी कठिन था, तो अपना एक एक अपना कंस्ट्रक्ट बनाया उन्होंने, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्ट बनाने का रास्ता मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन मुझे कवि कर्म का रास्ता, साहित्य कर्म का रास्ता ठीक लगता है। तो हमें ये सामग्री जो है उसका आकार हम चाहे ऐसा, और हमारा भावक चाहेगा, क्योंकि उसमें इस तरह की हमने मेरी कविता लंबी है इब्राहिम रुगोवा पर मैंने लिखी है, केवल साउंड पोएम है, कभी पढ़ेंगे या तो जब वो पुस्तक आ जाएगा हिंदी में तो आप पढ़िएगा। तो ये पॉलिटिकल पोएम्स जो मेरी है उसमें मैंने ये कि हमारा कवि कर्म क्या है, हम किस तरह से ये सामग्री को अलग अर्थ दे सकते हैं। तो अंत में ये बात में अभी जो हो रहा है ये टेक्नोलॉजी से डिसकनेक्ट और कनेक्ट उसका जोड़ू के हेलो जगन्नाथ पंडित राज जो थे हम क्या कह रहे हैं, उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र में उल्टा ही आ रहा है, ज्ञान कैसा आता है क्या करें, साहित्य साहित्य के माध्यम का ज्ञान कैसा आता है, क्रोचे जैसा कहता है ना कि वो नॉलेज है, जो भी करते हैं वैसे ही हो जाता है, अलग प्रकार का नॉलेज कैसे आता है, तो वो कहते हैं पुनः पुनः अनुसंधानात्मक, फिर जुड़ता है टूट जाता है, जुड़ता है टूट जाता है, वो भावना ज्ञान वही रमणीयता। जी जी सुतांशु जी, कुछ मित्रों कुछ समस्या, हाँ जी आ रही है आवाज जी, सुतांशु जी बार बार जुड़े बार बार निकले जी, इस तरह से हमारे युग की जो वास्तव, हमारे युग का जो वास्तव है बहुत ही सशक्त, ऐसा राजकीय आर्थिक और धार्मिक, और सबसे ज्यादा तो आर्थिक, क्योंकि वो दोनों जो वास्तव है राजकीय और धार्मिक वो आर्थिक वास्तव के वशवर्ती है। तो ये समझकर ये तीनों वास्तव के साथ बार बार जुड़ना बार बार निकल जाना, पुनः पुनः अनुसंधान करना, ऐसा भावना ज्ञान वो विशेष प्रकार का रमणीयता का ज्ञान है, और जिसका अनुभव हमें अभी हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जुड़ जाते हैं बिछड़ जाते हैं, जुड़ जाते, तो ये बिछड़, अगर हम अरुण कमल जी से बिछड़ते नहीं तो मैं उनकी ही कविता में से मेरे लिए प्रश्न का निर्माण नहीं कर पाता। तो आप देखें कि तो उमाशंकर कहते हैं कि जे जे थतो प्राप्त उपाधि योग, जो भी उपाधि योग प्राप्त होता है बनी रहो तेज समाधि योग, वही समाधि योग बन जाए। तो हमारा जो ये 21वीं शताब्दी का भारत, दक्षिण एशिया, अब चीन, अभी अरब, ये तो उपाधि योग है बड़ा, तो ये उपाधि योग को ही हम समाधि योग में परिवर्तित करना चाहे, तो अरुण कमल जी की कविता में से उसका उत्तर मुझे मिला, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, और अपनी केवल धार की मैंने थोड़ी मीमांसा करने का प्रयत्न किया है। तो ये पुनः पुनः अनुसंधान हुआ उसमें से ही मुझे, क्षमा करेंगे जी, आवाज आ रही है, व्यवधान हो गया, मुझको आता भी नहीं है उतना, ये सब माध्यम थोड़ा टेढ़ा है और मेरा गड़बड़ हो जाता है हमेशा, और हम लोग पुराने तरह से प्रेम करने वाले हैं तो इसलिए भी दिक्कत होती है इसमें। तो अब आपको पढ़ते हुए मुझको हमेशा लगता है कि एक तरफ तो रामायण, महाभारत, कालिदास,
भास ये सब उपस्थित हैं। और फिर आप आ जाते हैं सरहपा के पास। Yes. सरहपा को लेकर हिंदी में राहुल संकेतन जी ने तो सबसे पहला काम किया ही, विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने भी किया फिर, लेकिन आपका जो लेख है सरहपा पर, सरहपा लेकर और उसके बहाने कविता कर्म पर जो आपने बात की है वो अद्भुत है। अब वो आप उद्धृत करते हैं सरहपा को, ताव से अखर घोली आई जावण रखर होई। ये इतनी बड़ी बात है और आप इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अक्षर घोलो तब तक निरक्षर हो तुम जब तक। अक्षर घोलते हुए और फिर निरक्षर होना, तो जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपका जर्मनी में जर्मन भाषा में आपका प्रिय लेखक कौन है, तो आपने टॉमस मान का भी नाम लिया, रिल्के का भी लिया, और इन दोनों ने एक जो वाक्य कहा है कि आपको फिर से उस फल को चखना है ताकि आप निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर सकें, ज्ञान के उस फल को फिर से चखना। तो ये बहुत कुछ उसकी याद दिलाता है, ताव से अखर घोली आई जाओ निरखर हुई। एक कवि के लिए अखर घोलने और निरखर होने और लगातार अखर घोलने का क्या अभिप्राय है, वो कैसे अपना काम करता है जी? अरुण जी, आपको भीतर से प्रतीति है, आपके अनेक काव्यों में ये आया है कि नॉलेज सिस्टम निष्फल गई है। भारत इतनी बार पराजित होता रहा तो क्यों ऐसा हुआ? वो केवल शस्त्र बल कम था इसलिए नहीं, लेकिन अनेक जंक्चर पर भारत ने पाया कि पुरानी नॉलेज सिस्टम निष्फल गई है। 19वीं शताब्दी में भी ये अनुभव रहा। कवि कांत हमारे है, मणिशंकर रत्न जी भट्ट, उन्होंने कथा काव्य लिखे हैं, उसमें एक कथा काव्य अतिज्ञान नामक है और उसमें द्यूत खेलने के लिए युधिष्ठिर जाते हैं, सबको पूछते हैं लेकिन सबसे छोटे भाई को नहीं पूछते हैं, वो ही ज्ञानी था, वो तो त्रिकाल ज्ञानी था लेकिन बच्चा समझकर पूछा नहीं, जैसे कवियों को भी ये सारे सत्ता वाले पूछते नहीं है ऐसा बच्चा समझकर, तो सहदेव को भी नहीं पूछा और तब सहदेव समझ गया कि क्या होने वाला है, द्रौपदी के मान का क्षय भी होने वाला है, फिर भी वो उसको शाप था कि अगर कोई तुझे पूछे नहीं तो तू बता नहीं सकता। तो ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी में भी ये है, वो शव की साधना वो उलट जाए ऐसा है उसमें। तो लेकिन कवि कांत ने जो कहा है वो मुझे मेरे ज्यादा नजीक है, तो फेलियर ऑफ नॉलेज सिस्टम्स रिकर इन इंडियन, इसलिए एक मिथ भी है कि वेदों का प्रलय जल में निमज्जन हो जाता है बार बार और फिर वहां वराह अवतार जाकर वो वेदों को, डूबे हुए वेदों को ऊपर ले आते हैं। अद्भुत है, बहुत कम संस्कृतियां इस तरह से सेल्फ ऑडिट ले सकती है। ये जो सेल्फ ऑडिट है, अपने आप को तलाशने की बात है, तो ये मर्म हमारे ये कानफटे बाबाओं का था, सरहपाद और सबका, कबीर के पूर्वज थे सब आप तो जानते हैं। तो तालग अक्षर घोलई जाई निरक्षर होई, तो निरक्षर होने का इसलिए है कि जो अक्षर जो है, जो ज्ञान है हमारा, वो निष्फल गया है। अभी हमारे ये 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण का हम सोचे, ऊपर ऊपर से मत सोचे,
किसी को विरोध जाकर भाई बस सोचे कि हम ये पार्टी वाले, हम कोई पार्टी वाले नहीं है। नरसिंह मेहता कहता था पक्षा पक्षीत्या नहीं परमेश्वर, समदृष्टि है सर्व समान। जहां पक्षा पक्षी होती है वहां परमेश्वर नहीं होता है, समदृष्टि को सर्व समान है। तो आज का जो भारतीय लेखक है अदना आदमी है बेचारा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो जो अगर लेखक है, अगर सर्जक है, अगर कवि है, तो वो पक्षा पक्षी से पर है। तो पक्षा पक्षी से पर होकर हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी नॉलेज सिस्टम है, 21st सेंचुरी की जो हमारी भारतीय नॉलेज सिस्टम है पूरी, वो निष्फल गई है, उसका कुछ इंटीग्रेशन हुआ है। अब ये वैल्यू एडेड एजुकेशन की बात करते थे, तो उनके दुर्भाग्य से मुझे बुलाया गया गांधीनगर में उसकी चर्चा करने के लिए। तो मैंने कहा कि क्या हमारे गुजरात में सारे व्यंजन दाल में डालते हैं, वो चीनी भी डालते हैं दाल में। तो मैंने कहा कि ये क्या वगार करने की बात है, वैल्यू एडेड यानी किस वैल्यू तैयार है बाजार में लाकर ये खाने में डालो थोड़ा, तो थोड़ा मीठा हो जाए खाना। ये क्या है, ये वैल्यू कोई बाजार में नहीं थी, आपके बाजार में से लाना है वैल्यू। क्योंकि मैं जानता था कि वो मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू की बात करता है, क्योंकि वो और ये है उसकी चिन्ह के नॉलेज सिस्टम निष्फल गया है। आज उसको पता नहीं चलता कि टेक्नोलॉजी का करे या संस्कृत का करे, या तो प्राचीन काल करे के कोई कहने प्राचीन सब ले आओ, मंदिर को ऐसा करो, मस्जिद वाले भी ऐसा करते, चर्च वाले भी ऐसा करता है। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज है वो नहीं काम आएगा, और टेक्नोलॉजी वहाँ से लाओ और धार्मिकता यहाँ से लाओ और नैतिकता वहाँ से लाओ और सब मिलाकर चलो बना दो लड्डू। तो लड्डू खिलाने की बात नहीं है, ये कविता करने की बात है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि तालग अखर गोल जाई निरखर होई, अखर बाड़ा सा अलजो, बहुत विद्वान हो गया है जगत, अखर बाड़ा सा लेकिन निष्फल है। वो अपने आप को विद्वान मानता है लेकिन निष्फल है। कबीर उसके बाद यही बात करता है, लेकिन उस वो थोड़ा ढाई अक्षर प्रेम के प्रेम वाली बात मेरे ढंग से थोड़ी ज्यादा करता है, क्योंकि मैं एक पोजीशन ऐसा लेना चाहता हूँ जहाँ ये तीनों मस्तक हयुन हाथ तीनों एकत्रित इंटीग्रेटेड हो सके, ऐसा एक प्रयत्न है छोटा सा अपना। तो ये सरहपात के साथ का मेरा जो संबंध है, तो एक शब्द में कहूं तो वो अटर फेलियर ऑफ नॉलेज सिस्टम एट वेरियस जंक्चर्स ऑफ इंडियन कल्चर हैव ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन राइटर्स, राइट नाउ नॉलेज सिस्टम हैज फेल्ड, डोंट हैव great universities with great buildings that you will be able to, air-conditioned buildings, वो air-conditioned buildings में ज्ञान नहीं आता है, वो भट्टी में से आता है, उसमें जाना पड़ता है। तो ये जो है ये दिखावा, ये विद्या का दिखावा चल रहा है। और किस तरह के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है, वो ठीक है क्या? इस तरह के वाइस चांसलर होने चाहिए जो तुम्हारे एजुकेशन सेक्रेटरी के प्यून जैसे लगे, सबकी मर्यादा होनी चाहिए। अभी आप राम के भक्त हो तो मर्यादा पुरुष के भक्त हो। तो ये जो हर डिसिप्लिन की मर्यादा होती है, और ये जो साहित्य की जो बात है उसकी बात ये है कि कभी कुछ ब्रेकडाउन हो तो वो कहता कि ब्रेकडाउन हो गया है, तो ब्रेकडाउन हो गया है तो गाली नहीं देता है, कोई चेतावनी देता है और रास्ता दिखाता है कि किस तरह से ये नॉलेज सिस्टम जो अभी पूरा निष्फल हो गया है उसको किस तरह से, इतनी बड़ी संस्कृति है, बार बार हमने ये बात की है, तुलसीदास क्या करते थे और भी कालिदास क्या करते थे, उनके करीबी से पढ़े तो शकुंतला के आश्रम में, कर्ण आश्रम में क्या हुआ उसकी बात करते हैं, उसकी क्या बात हुई इसके बाद, महाभारत रामायण क्या कहते हैं, ये सारे This is only culture in which literature doesn't glorify, but literature investigates, inquires. तो ये जो है inquiry, तो ये सरहपाद में और ये
सर कुछ एक बार फिर आपकी कविता की तरफ लौटते हैं। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम तक पहुंच रही। हाँ, अब एक बार फिर आपकी कविता की तरफ लौटते हैं, जहां पौराणिक प्रसंग हैं, सूखती हुई नदियां हैं और साथ साथ कुछ बहुत निजी अनुभव हैं, कुछ बहुत सुंदर मार्मिक कविताएं हैं, घर परिवार को लेकर, अपनी पत्नी बेटी मित्रों को लेकर, और ऐसी मार्मिक कविताएं, एक तरफ तो बहुत बौद्धिक कविताएं भी हैं और दूसरी तरफ इतनी मर्मस्पर्शी कविताएं कि मेरे जैसे पाठक का दिल हिल जाता है। मैं आपसे बस बहुत कुछ अब छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूं, जिज्ञासा और सवाल दोनों कहिए, कि आपको खुद आपकी अपनी कविताओं में से अगर तीन कविताएं सुनने को कहा जाए, जो बाद में हम लोग आपसे सुनेंगे भी इस बातचीत के तुरंत बाद, तो वो कौन सी होंगी? मुझे सबसे ज्यादा इकट्ठा रखने वाली जो कोई कविता हो, इकट्ठा रखने वाली कविता हो, तो उसका शीर्षक वेदना ऐसा है और प्रथम पंक्ति है, वेदना तू अंध ना कर, वेदना तू नेत्र दे। तो वेदना हमें अंधा कर देती है। ये कविता मैंने लिखी, मेरी बच्ची डॉटर जब हम अमेरिका थे तब जन्म हुआ था, सांस न ले पाई तो पैरालिसिस हो गया जन्म से। फिर तो बहुत पढ़ी, बहुत अच्छी कविता लिखती है, पीएचडी किया। बाद में उन्होंने अमेरिका जाकर रहने का, क्योंकि वहाँ जन्म हुआ था तो तय किया, तो हम उनको छोड़ने के लिए गए थे। वहाँ अच्छी सी अपना अपार्टमेंट मिला, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो बहुत ये जो ब्रेकडाउन वाली बात है ना, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरी शक्ति कुछ नहीं, मैं अपनी बच्चे को पैरालिसिस से बचा ना पाया। और अब वो पीएचडी में आता, तो वो समय में, वो वेदना के समय में, वो बेबस अवस्था में मैंने कहा कि बेबस मत हो, वेदना तू अंध ना कर, वेदना तू नेत्र दे। तेज मां सुख चैन ना चीजोज दीठी चारे गम, सुख चैन के तेज में मैंने सारी चीजों ही देखी, अच्छी बुरी चीजें, तू बतावे तो मरे तो मने देखाए अजवाड़ा स्वयं। अगर वेदना हमें दिखाती है तो हमें प्रकाश में चीजें नहीं देखती है, चीजों के माध्यम से प्रकाश दिखाई देता है। तो ये जो दो अलग बात है कि हमें प्रकाश के माध्यम से चीजें देखनी है सुखोपभोग की, के ये चीजों के माध्यम से प्रकाश देखना है। तो ये हमारा एक, मेरे लिए भी चॉइस था वो, कि क्या ये वेदना के नीचे मैं टूट जाऊं, कि भले सारा लोहा उन लोगों का लेकिन मैं अपनी धार बनाऊं। तो हर कवि के पास ऐसी चुनौती, हर मनुष्य के पास ऐसी चुनौती आती है। तो इसलिए ये एक कविता मुझे बहुत, उसका हिंदी अनुवाद नहीं है इसलिए मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा। और ऐसी तो एक दूसरी भी लंबी कविता है, वो जी ये चे गुवेरा, इब्राहिम रुगोवा, होचिमिन आदि पर जो कविता लिखी है वो कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन एक
यूसुफ महरली, एक्सक्यूज मी, वो भी आपके आपका जो संग्रह हिंदी में आ रहा है उसमें वो कविता है, आपका जो संग्रह भी हिंदी में आ रहा है उसमें वो कविता है, और वो मुझको भी बहुत प्रिय है। तो ये दूसरी कविता मुझे, लेकिन बहुत लंबी है वो, तो वो लेकिन वो ये एक्सप्लोरेशन हम करते हैं और उसके बाद एक कविता आ जाती है, तो होचे मिन, चे गुवेरा, इब्राहिम रुगोवा आदि, ये एक्सप्लोरेशन चले, सोचो स्केचेस किए या तो प्रोफाइल्स किए, और फिर ये जो यूसुफ बहरेली वाला है वो म्यूरल बन गया, तो वो अच्छा लगा, वो दूसरी कविता मुझे प्यारी है। और तीसरा ये जटायु काव्य तो है ही, क्योंकि वो तीसरी प्रकार की कविता है, लेकिन ये जटायु के साथ ही एक छोटी कविता है वो शबरी पर मैंने लिखी है, वो भी मुझे प्यारी लगती है। ये तीन डायमेंशंस हुए, एक तो ये शबरी वाली कविता है, वो आदिवासी लोगों की बात है उसमें, और ये पावर पर्सनालिटी जो रामचंद्र है उसका अवमान नहीं है, लेकिन वो शबरी जो बोर बेरा कर, वो एक डायमेंशन है, मिथिकालिटी का है, ये पॉलिटिकल अनकॉन्शियस का ये एक्सक्यूज मी वाला में है, और वेदना में बिल्कुल मेरी नितांत निजी बात है। जी, कुछ कविताओं का आज आपकी 80वीं वर्षगांठ है, आज आपकी 80वीं वर्षगांठ है, और अगर हम आपको कोई मिठाई खिलाना चाहें तो आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करेंगे? अभी 80 की साल हुई तो इतना पता चला कि खिलाने वाले को खिलाने में जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है, वो मिठाई हो या दूसरा कोई भी हो, वो अगर हम खाए तो आनंद का अनुभव करेंगे, अन्न का नहीं। खिलाने वाले का जो आनंद आता है, क्योंकि सुखोपभोग की चीजें हैं ना, वो खिलाने वाले को आनंद नहीं देती है, वो तो एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है। 5-स्टार होटल में जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। वो अन्न तो केवल हमारे अन्नमय कोष को ही पुष्ट करता है, लेकिन हमारे आनंदमय कोष को वही पुष्ट करेगा जो खिलाने वाले को आनंद देता है। और हम खाते हैं उसमें, माता अपनी माता जब बच्चे को खिलाती है कितनी खुश होती है, कभी कभी तो भूखी रोती है वो स्वयं, फिर भी उसके मुंह में रखती है और देखती है। कभी कभी मैंने देखा है कि जो यंग मदर्स होती है वो कभी कभी बच्चे को खिलाते खिलाते अपना मुंह भी ऐसा करती है, तो अपना मुंह भी चलाती है ऐसा। तो ये जो है खिलाने वाला और खाने वाला और अन्न, वो मुझे अच्छा लगता है। ये बताइए, आपने तो दुनिया के अनेक देशों की यात्रा की है, आपको सबसे सुंदर जगह कौन सी लगी? घर, मेरे घर के अलावा, हाँ, मेरे घर के अलावा जहां हम साथ गए थे, वो कच्छ का रण भी मुझे बहुत बहुत प्रिय है, क्योंकि वहां पीयूष भी साथ थे, एकांत बहुत ही अद्भुत जगह है वो, उस समय साथ थे वो, हाँ हम साथ में गए थे वहां। और क्लिशे जैसा है, बहुत अच्छी बात नहीं है, अनेक लोग को यही कहते हैं, लेकिन पेरिस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वहाँ बार बार जाना हुआ, सोर्बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना का भी अवसर आया, उससे पहले जैसे आपने कहा कि मैंने वहाँ अमेरिका से पीएचडी करता था तो फोर्ड फेलोशिप मिली, तो उस समय भी एक साल हम वहाँ रहे, और वो तो मेरा बहुत वेदना का, क्योंकि हमारे बच्चे का जन्म हुआ था और हमें आस्ते आस्ते पता चलता था कि आजीवन पैरालिसिस होगा, और उसका उपाय भी मेरी पत्नी वहाँ से हम जिसे किसी ने भी पढ़े नहीं, पैरालिसिस है तो थेरेपी होनी चाहिए, नहीं तो पेरिस में तो बड़े बड़े चर्च भी होते हैं और फ्रेंच लोग तो रिलीजियस भी बहुत होते हैं, और ऐसे
हमको क्रिश्चियन बनाने के अवसर उनको दूसरा कौन सा मिलेगा। एक पैरालिसिस वाली बच्ची को लेकर आए हैं ये दो फर्स्ट चाइल्ड कपल, और स्टूडेंट है, पैसा भी नहीं इतना, तो वो भी चला बहुत कि भाई ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसा करना है तो पेरिस में क्यों आए, हिंदुस्तान में जाकर कई बाबा लोग हैं वो हमारा उद्धार कर देंगे। तो पेरिस का मेरा जो अनुभव है ये एक संकुल अनुभव है, और निजित और स्वातंत्र की साधना जो हमारी बच्ची को हमने केवल थेरेपी के माध्यम से ही उसका करना तय किया वो पेरिस में किया, और विद्या साधना भी पेरिस में की। यूनेस्को के नाटक का सीधा फ्रेंच में से गुजराती में तब रखा आदि आदि। तो मेरा घर कच्छ का रण जहां आप मेरे साथ हो, और पेरिस। जी अब एक आखिरी बस बात, क्योंकि अब सवा घंटे हम लोगों को हो गए बातचीत करते, मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन आज आपके घर पर भी बहुत से लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, और मिठाइयाँ तो बाकी हैं, वो हम लोग मिलेंगे तो वसूल करेंगे बढ़िया से। अब एक आखिरी बात कि अभी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आगे भी देखते हैं, तो आपने एक जगह कहा है कि भारतीय घरों में अंदर और बाहर अलग अलग नहीं होता, वो एक होता है। तो ये जो देहरी है इससे एक तरफ के 80 साल और आगे के 125 साल माना गया है, और ये हम समझते हैं कि ये गांधी जी अगर होते तो कम से कम इतनी आयु तो उनकी होती। तो आप अब आगे आपको सबसे अधिक क्या करने की इच्छा है? बहुत ही आप जो चाहें आप कहें, कुछ न चाहें न भी कहें। उत्तरावस्था और मृत्यु के सानिध्य में जल्दबाजी न हो, किसी तरह की जल्दबाजी न हो, वो मेरी सावधानी है। क्योंकि जब उत्तरावस्था आती है शरीर शिथिल हो जाता है, मृत्यु का भी एक ख्याल तो आता ही है 80 के बाद, तब कभी कभी ऐशनाएं बहुत जग उठती है, ये रह गया। और इसी कारण जल्दबाजी होती है। क्रिकेट का मैं एक उदाहरण दूं तो वो कभी कभी क्रिकेटर अपने आपको स्पेस नहीं देते हैं और वैसे तैसे शॉट लगा देते हैं। मैंने कई मेरे समकालीन को देखा है कि वो जल्दबाजी में अपना शॉट लगाते हैं और फुटवर्क नहीं करते हैं ठीक से, स्पेस नहीं देते हैं अपने आप को, जल्दबाजी करते हैं। उसको सेंचुरी लगानी है, अभी सेंचुरी लगाई या नहीं लगाई क्या फर्क पड़ता है आपको, और को भी फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी लंबी यात्रा है मनुष्य जाति की, और क्या है, हम तो पुनर्जन्म भी मानते हैं भारतीय लोग, वो अच्छी एक सुविधा है। पुनर्जन्म हो या ना हो, लेकिन इस जन्म में जल्दबाजी तो नहीं हो चाहिए, हड़बड़ी तो नहीं। मेरे समकालीन को मैंने ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोग को इतने लोलुप होते ही देखा है, भोजन के बारे में, मान पान के बारे में, पैसा कमाने के बारे में, और ख़ास तौर पर हम लेखक लोग हैं तो मान अकराम के बारे में, तो मरने से पहले ही मर जाते हैं। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, कावर्स डाई मैनी डेथ्स, जो कावर्डिस है वो नहीं होनी चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद लूंगा, आप कौन देने वाले हो। तो कावड़ जो और लोगों के पास जीवन की भीख मांगता है नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये शरणागति का भाव नहीं होना चाहिए। लोलुपता में से शरणागति का भाव आता है, कोई
सत्ता वाला कहेगा कि तू हमारा ऐसा करो तो हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये पद राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। लिटरेरी पॉलिटिक्स में भी ये अवार्ड रह गया, वो अवार्ड रह गया, ये इसमें से बचे रहने का एक ही रास्ता है, नर्मद जिसे स्वाभिमान कहता था, और उसमें से उन्होंने स्वदेशाभिमान शब्द भारतीय भाषाओं में शायद पहली बार कहा। तो ये जो एक मनुष्य होने का गौरव है कि मैं मनुष्य हूँ, या तो मैं सजीव हूँ या तो मैं पदार्थ हूँ, तो पदार्थ होने का, सजीव होने का, मनुष्य होने का, व्यक्ति होने का जो गौरव है वो ये अंतिम वर्षों में अक्षुण्ण रहना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है, लोकेशणा और वित्तेषणा का हो सके इतना त्याग करना और प्रोडक्टिव रहना, जिसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि प्रोडक्टिव, अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अपना अधिकार और प्रोडक्ट्स पर भी अपना अधिकार, यानी कविता कैसी करनी है वो मैं तय करूँगा, मेरी कविता आप छापो न छापो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखी है, कालो कालो यम निरवधि रिपुलाश्च पृथ्वी उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समान धर्मा, और मेरे समान धर्मा तो मुझे कितने मिले, हमारे जैसे को तो बहुबुद्धि की जैसी फरियाद करने का कोई अवसर नहीं है। कितने भारत के उत्तमोत्तम सर्जकों मेरे मित्र है, उत्तमोत्तम भावक मित्र है, अच्छे अच्छे धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी नायक अच्छे अच्छे मित्र है, तो अभी क्या है, अभी क्या मिल रहा है। तो एक स्पृहा का अंत, निस्पृहता की सर सके साधना। आपने जो कहा ये हम सब लोगों के लिए बात है, ये है, और ये हम सब लोगों को शिक्षित करता है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और हम अपने इस निर्भीक अद्भुत कवि का एक बार फिर अभिनंदन करते हैं, और हम कामना करते हैं कि वो अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जिए, और वो लिखते तो रहे हैं अपनी ही इच्छा से, आगे भी हम सबको उनका वही लिखा पढ़ने को मिले जो वो लिखना चाहें। और ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है जो आपने अंतिम बातें कही, सारी की सारी बातें सोचने को है, लेकिन ये बातें जो अंतिम हैं ये हमारा मस्तक ऊंचा करती हैं, हमारी आत्मा को पवित्र करती हैं। मैं सबकी ओर से, जितने लोग अभी सुन रहे होंगे, अर्पण कुमार की ओर से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर। अब अर्पण कुमार जी आगे का कार्यक्रम करेंगे। अब ये हमारी बातचीत, ये पूर्ण विराम मैं नहीं कहूँगा, ये अर्ध विराम भी नहीं है, ये तो अभी आगे का वाक्य कैसे पढ़ाएं ये सूझ नहीं रहा, इसलिए मैं इसको भी रोक रहा हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कमल जी, और आपके इन प्रश्नों में हम सभी के प्रश्न शामिल हैं, आप हमारे अग्रज हैं, और श्रीतांशु जी जो है वो एक उस पीढ़ी से आते हैं जहां एक सुदीर्घ अनुभव, और जहां भारत की या विश्व की एक पूरी एक ज्ञान चेतना, भाव चेतना हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। बहुत ही रसपूर्ण प्रासंगिक बातचीत रही, और जिन विचारों को आपने अरुण जी यहाँ रखा और जिस तरह से उनके उत्तर मिले, वे सब प्रासंगिक तो है ही, और वे कैसे हमें आगे राह दिखाते रहेंगे, हमारी रचनात्मक सक्रियता और रचनात्मक स्वायत्तता दोनों के लिए वे किस तरह से उपयोगी होंगे हम समझ सकते हैं। हमारे तमाम मित्रों के, रचनाकार मित्रों के की टिप्पणियां भी यहाँ पर मिल रही हैं, जिन्हें हम बीच बीच में पटल पर रख रहे हैं। बहुत ही अच्छी बातचीत रही, और जन्मदिन पर जैसा कि सितांशु जी स्वयं कह भी रहे थे कि जन्मदिन तो है लेकिन उसमें एक
गप का भी भाव हो, एक बतकही का भी भाव हो, एक सार्थक हस्तक्षेप का भी भाव हो, रचनात्मक तत्व भी उसमें आए, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आज आपके माध्यम से, अरुण जी के प्रश्नों के माध्यम से और श्रीतांशु जी के जवाब के माध्यम से यहाँ संपन्न हुए। मैं यही चाहूंगा और मैं क्या तमाम दर्शक और हमारे पाठक मित्र यही चाह रहे हैं, सभी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि कार्यक्रम के अंत में श्रीतांशु ईश्वर चंद्र जी की कुछ कविताओं का पाठ हो और हम सब लोग उन कविताओं के साथ एकमेव हो सके। श्रीतांशु जी तो मैं निवेदन करता हूं कि वे अपनी कुछ कविताओं का पाठ करें। तीन छोटी कविता आपके पास रखूंगा, एक काफी पुरानी है 1974 की, समुद्र। देवों और दानवों ने सरल कर दिया, उस पूर्व का समुद्र मैंने देखा है। मैंने वड़वानल के उजियारे में पानी देखे हैं, अग्नि और सीलन अलग नहीं किए जा सकते, भीगना और जलना एक ही है। सागर की गहराई से जब मैं बाहर निकलूं, तब मेरे हाथ में नहीं होती मोतियों की मिल्कियत। मैं गोताखोर नहीं हूं, मैं कवि हूं। जो भी है वह है सिर्फ मेरी आंखों में। देखता है, विटनेस करता है कोई भी कवि, और आंखें विकराल आंखें सत्ता के सामने आए तो भी झुकाता नहीं है कोई भी कवि। तो दूसरा है ऐसी ही एक 2002 की, बामियान बुद्ध की मूर्ति के खंडन वाली घटना पर कविता। बामियान बुद्ध, न होता वहां वो बुद्ध, न होता वहां वो बुद्ध, स्वयं ही होते वो वहां, तो भी खड़े रहते उतने ही निश्चल। पद्मलोचन शांत मुख, लहराता चीवर, स्मित मंडित ओष्ठ, वरद हस्त, निर्भय मनुष्य। और तीसरी एक छोटी कविता पढ़ो। यह वृक्ष है, फूल झर गए, पत्ते खिर गए, दगालों के जखाड़े, लेकिन वृक्ष है। इसकी ओर देखता तक नहीं सितारों से लबालब आकाश, तो क्या वृक्ष है? ऋतुराज नहीं है, तब भी कढ़ेर भूमि के कढ़ेर भूमि में कुछ तलाशती है जड़े। ऋतुराज नहीं है, तभी भी कढ़ेर भूमि में कुछ तलाशती है जड़े। पानी नहीं है, परंतु पानी का अर्थ है पेड़ प्यासा है। फिलहाल
तो कुछ फिलहाल तो कुछ नहीं लगभग, और सब कुछ है अभी यहाँ इसी वक्त है, यह वृक्ष है। जी सितांशु जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, मेरा पाठ समाप्त हो गया जी। कुछ मित्रों की इच्छा है कि कुछ एक कविताएं और भी हो जाएं, ऐसे हमारे मित्रगण चाह रहे हैं, तो देख लें, कुछ एक कविताएं और ले लें, क्योंकि आज लोग अधिक से अधिक आपकी कविताओं का रसास्वादन करना चाह रहे हैं। जरूर दोस्त, यही वो जो था ना, स्नेह और संघर्ष, जी ये यही है, क्योंकि कवि को एक लोभ जैसा भी होता है, अपनी ज्यादा से ज्यादा कविता पढ़ो तो वो उसमें नहीं जाना चाहिए। गुजराती में सुनाइए एक कविता, गुजराती में सुनाइए। अच्छा जी बिल्कुल, एक कविता अपनी भाषा गुजराती में सुनाइए। जरूर जरूर जी, मुझे लग गया कैसे क्या आशय काव्य संग्रह गुजराती में जरूर सुनाइए। और अरुण जी देखें, डेढ़ घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन हमारे तमाम मित्रगण हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी, सभी लोग देश के और बाहर के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच की ओर से कि आप लोग साहित्य के इस कार्यक्रम में, इस संवाद में इतना स्नेह दे रहे हैं, इस अपनत्व के साथ इस बातचीत को सुन रहे हैं। और हमारे लेखक द्वय को भी यह अच्छा लग रहा है, वे लगातार इन प्रतिक्रियाओं को देख भी रहे हैं। जी सुतांशु जी, एक कई फरमाइश भी आ रही है, लेकिन मित्रों संभवतः उनके पास, उनके हाथ में जो अभी चीजें उपलब्ध होंगी उसी के अनुसार वे कविताओं का चुनाव कर पाएंगे, तो हम उन पर ही छोड़ते हैं। मेरे परम मित्र और हमारी भाषा के बहुत बड़े कवि लाभशंकर ठाकर, वो लाभशंकर ठाकर पर मैंने, वो वैद्यराज थे, डॉक्टर थे और बड़े अच्छे कवि थे, उनके पर मैंने एक कविता लिखी है, उसके तो कवि होना या आदि का लाभशंकर ठाकर ने कविता जी। सोजो चढ़ेला शरीर ने जेम डॉक्टर अड़के, सोजो चढ़ेला यानी सुजान आने फूल गए हो ऐसा, सोजो चढ़ेला शरीर ने जेम डॉक्टर अड़के, एम तू अमारा मन ने अड़क कवि, बुखार अने जान एज तारी रीत छे, दर्दी कणसे छे, कुटुंबियो ककड़े छे, भुआओ हाकला करे छे, त्यारे तू तारा शांत अवाज मां अमने सवालो पूछ, अमारा खानपान विषय, टेवो विषय, मजबूरियों विषय, पूर्वजों विषय, अमे घणु बधु भूली गया छे, अमे घणु बधु छुपावीए छे, डीले ताव दखे छे ने तोय लू वाता मैदान मां अमे संता कुकड़ियो रमीए छे, घाट घड़ेला के वगर घड़ेला पत्थरो पाछळ संताई जाइए छे, परछाया नीचे परछाया, हमने शोधी शोधी ने तारी अस्पताल में दाखिल कर, हमने देहभान कराओ ने औषधि आपा, शरबतों पी पी ने ढीली मिठाई लास लूस खाखा करीने अन्न ने नामे हवे हमने उबकावे छे, हमारा जठर में आग लगाड़ गर्दागणों नी तूरा कड़वा रस्ती हमारी जीभ ने झाटका मार, थोथर चढ़ेली हमारी काया नी निर्मम निरीश्वर चिकित्सा कर, बेभान हमें मरणासन्न छे, हमने भान में लाओ हमने जीवाड़ कवि। तो जो वैद्य जैसे एनीवे मैं समझ ठीक है एक, लेकिन अगर कोई दोस्त कोई कविता मैं पढूं ऐसा चाहता है तो जरूर मुझे कहिए।
अरुण जी ने कौटुंबिक संबंधों के बारे में जो मेरी कविताएं हैं उसकी बात की, मुझे मैंने थोड़ी वेदना वाली बात पर जोर दिया, लेकिन अभी मैं एक दूसरी बात पर जोर देता हूँ। गुजराती कविता है परदादी अने हूँ। परदादी यानी दादी की दादी, परदादी अने हूँ। आजे सवारे सपनामा मारे घेर मारा परदादा आ गया, पागड़ी खेस जनोई पीतांबर चाखड़ी साथे परदादी हता, साड़ी मारी बाजेवी ज, फोटा वोटा तो एमने जोयला नहीं, एमना जमाना में कैमेरा क्या थी, पर सपनू मारू हतु एटले हूँ एमने ओळखी गयो। दादी तो बोल्या है खरा कि आज घर छे, पर दादाए कहू शी खात्री, हूँ कहू छू ने तमे चालो अंदर, दादी एज टोन में बोल्या। दादा अंदर आव्या पर मारी सामे नजर नोधी ने पूछे कि अल्या तू कौन, मैं नाम कहू आखू अटक तो एज छे, पण दादा अटक्या, मारी कैप इयरफोन विंड चीटर स्पोर्ट शूज ऊपर नीचे नजर फेरवी, शर्ट नी अंदर जमणो पंजो सेरवी, मारी दोरा विनानी छाती तपासी, ये कहे मने नहीं दादी ने आ ए लागतो नथी। दादी ए चुपचाप मारा घर में एक आंटो लगाव्यो, पछी कहे मने नहीं दादा ने कि ए छे तमारा पोतरानो पोतरो। दादा शी खात्री जेव मो कही जोई रहा, दादी सहज हसीने कहे, दादी सहज हसीने कहे मने आना घर में घर जेव लागे छे, दादी सहज हसीने कहे मने आना घर में घर जेव लागे छे। हवे दादाए मने पूछू मने ओळख्यो दीकरा, हूँ आम तो एमने क्यारनो ओळखी गयो हतो, पण जाने खात्री करवा पूछतो हो एम मैं दादी ने पूछू, दादा ज ने दादी, दादी साव मारी माँ जेवू हसी पड़ा। पछी सवारे जाग्यो त्यारे मने मारा घर में वधारे घर जेवू लाग्यू। अरे इसका हिंदी अनुवाद है, इसी कविता का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी है जी, और वो पढ़कर समाप्त करें क्योंकि समय भी नहीं, कुछ फरमाइश और आ रही है सितांशु साहब, अजय रावल जी की, अजय रावल जी निवेदन कर रहे हैं पत्नी ने। ओके ओके, हाँ और भी कुछ हैं, और भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं, कुछ गुजराती में भी लिखे हैं, तो माफ कीजिएगा मैं एकदम से अशुद्ध ना पढ़ दूं इसलिए मैं बच रहा हूं। लेकिन पत्नी ने भी पढ़ने जी, पहले इसका अनुवाद पढ़ लें जी जी, अर्पण जी को और अरुण जी को। परदादी और मैं जी, आज सवेरे सपने में मेरे घर मेरे परदादा आए, पगड़ी खेस जनेऊ पीतांबर खड़ाऊ, जी सितांशु जी, बीच में मित्रों कुछ इंटरनेट की
स्पीड के कारण भी कुछ दिक्कत आ जाती है। हाँ आ रही है, जी जी आ रही है। ओके हाँ समझिए, जी जी आ रही। साड़ी मेरी माँ जैसी, फोटो वोटो तो उनका देखा नहीं था, उनके जमाने में कैमरा कहाँ था, लेकिन सपना मेरा था सो मैं उन्हें पहचान गया। दादी तो बोली भी ये वही घर है, पर दादा ने कहा क्या भरोसा। मैंने कहा ना तो भीतर चलो, दादी उसी स्वर में बोली। दादा अंदर आए लेकिन मुझे सामने देख मैंने नाम बताया पूरा, कुल नाम तो वही है। दादा रुक गए, मेरी कैप, विंड चीटर, फोन और स्मार्ट शूज पर ऊपर से नीचे तक नजर घुमाकर, शर्ट के भीतर पंजा घुसाकर टटोली मेरी बिना जरूरी की छाती। उन्होंने कहा मुझे नहीं दादी को, ये वो नहीं है। दादी चुपचाप मेरे घर में घूम आई, कहने लगी मुझे नहीं दादा को, ये वही है तुम्हारा पोते का पोता। दादा देखते रहे मुझे क्या भरोसा जैसा करके। दादी सहज हंसकर बोली मुझे इसके घर में घर जैसा लगता है। तो दादा मुझे पूछने लगे मुझे पहचाना बच्चे। मैं वैसे तो कब का उन्हें जान गया था, पर मानो निश्चित करने के लिए दादी से पूछा मैंने, दादा ही है ना दादी। दादी हंस पड़ी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। जब सुबह जागा मेरे घर में, मुझे लगा ज्यादा घर जैसा। ऐसे ऐसे कभी कभी हमारे पुरखे हमारे घर में या सपने में आते, और उसको अपना घर जैसा अगर हमारा घर लगे तो हमें भी हमारा घर ज्यादा हमारे घर जैसा लगेगा। ये एक माधुरी है जीवन की, इसकी भी कई और भी कविता है जी। और वो जो कह रहे थे पत्नी वाली कविता, वो है क्या आपके पास अभी पास में हो तो देख लें। जी जी और हमारे एक मित्र जो संजू बाला जी, संजू जी हैं, उनकी उनकी भी एक फरमाइश है कि बहुत खूब जटायु में से भी थोड़ा पढ़ने की कृपा करें अगर संभव हो, ताकि लोग जुड़े हुए हैं और कभी स्वयं कवि से उसकी कविताओं को सुनना तो हमेशा ही सुखद होता है और अच्छा लगता है। वो जितना सुने उतना कम भी लगता है, लेकिन खैर उनकी सुविधा का भी ध्यान रखना है। और जी जी और मित्रों, जब तक कि सितांशु जी उस कविता को ढूंढ लें, मैं यह कह दूं कि अरुण कमल जी और सितांशु जी की यह बातचीत तो बहुत अर्थपूर्ण रही ही, लेकिन लंबे समय से देश के दो बड़े रचनाकार विभिन्न स्तरों पर साहित्य को लेकर जिस तरह की चिंता करते रहे हैं और अंतरभाषाई संकल्पनाओं में और सक्रियताओं में जिस सच्चे ढंग से जुड़े हुए रहे हैं वह भी उल्लेखनीय है। तो यह चूंकि यह बात ये लोग स्वयं नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इस मंच से इसे भी रेखांकित करने की जरूरत है कि आज जो अलग अलग भाषाओं के लोग मिलकर कैसे आगे बढ़ें और विभिन्न भाषाओं में या क्षेत्रों में रहते हुए भी एक समस्त भारतीयता का जो स्वर है, जिसकी चिंता आज के शाम के वक्तव्य में सुबोध सरकार जी भी कर रहे थे, तो वह चिंता कैसे दूर हो और एक सचमुच का एक 72 भारतीय भाषाई परिवार हमारे समक्ष पूरी ताकत के साथ उभर सके, हम यही कोशिश करेंगे और यही ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य भी है। सितांशु जी अभी हमसे जुड़ जाएंगे, कुछ तकनीक की समस्या है। अरुण कमल जी कुछ कहना चाहेंगे जब तक वे जुड़ जाएं? अरुण कमल जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर?
नहीं सिर्फ अब सितांशु जी का ही अब जी जी भाई अभी कुछ जिस तरह से आपको समस्या आ रही थी तकनीक की, ऐसे ही कुछ समस्याएं उनके साथ। कोई बात जी। नहीं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं फिर जी। फिर इस बीच हमारे जो मित्रगण जिनकी प्रतिक्रियाएं आती रही, मैं उनके नाम ले लूं और यह प्रतीक्षा भी करता रहूं कि वे सितांशु जी हमसे जुड़ जाएं। अश्वनी बापत जी, मैं नीचे से ही प्रतिक्रियाएं ले रहा हूं मित्रों, अश्वनी बापत जी, संजू वाला जी, समीर भट्ट जी, मीनाक्षी जोशी जी, महेंद्र सिंह परमार जी, वंदना भट्ट जी, मधु मेहता, प्रवीण पंड्या जी, प्रज्ञा शुक्ला जी, बसंत जोशी, अजय रावल, हरेश कानानी, मित्रों अगर किसी का नाम गलत पढ़ूं तो माफ कीजिएगा, बसंत जोशी जी और मीनाक्षी जोशी जी, वंदना भट्ट नाम ले चुका हूं, कमल वोरा जी हमारे वक्ता भी रहे पूर्व में, और मीनाक्षी जोशी, समीर भट्ट, और मित्रों कमल वोरा जी की प्रतिक्रिया, सेजल शाह और श्री राम दवे जी लगातार जुड़े रहे, इसी तरह गोपाल कमल जी, वंदना भट्ट जी का नाम ले चुका हूं, और ऐसे ही तमाम, किरण कुमार मोदक जी लगातार इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोगों के ही कारण यह सब संभव हो रहा है। निखिल मोरी जी, नैना सोलंकी जी और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। गुरुदेव प्रजापति फोरम की ओर से भी लोग हमें देख रहे हैं, श्री राम दवे जी, तारा नेहरा जी, और भी जो मित्रों ये वे नाम हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें यहाँ पर दिख रही हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो लगातार इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और लगभग पौने दो घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका भी हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर जिस फॉर्मेट में मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं उन लोगों के ही नाम देख पा रहा हूँ जिनकी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपके कारण ही यह मंच कुछ सार्थक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर हम और प्रतीक्षा कर लेते हैं सितांशु जी हमसे जुड़ जाए, और हालांकि उन्होंने अपने हिस्से की कई कविताएं सुना दी हैं, मगर थोड़ी सी प्रतीक्षा हम और कर लें, और इस बीच हम उन लोगों के भी यहाँ पर धन्यवाद कर दें जो लगातार हमसे जुड़े रहे और वक्ता के तौर पर भी हमारे साथ बने रहे इन चार दिनों में, 16 तारीख से लेकर आज 19 तारीख के बीच हमने लगभग 11 वक्ताओं को सुना जिसमें सितांशु एसएस चंद्र जी भी शामिल है। मैं अपने उन सभी वक्ताओं का हार्दिक आभार करता हूं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए और यहाँ न सिर्फ आए बल्कि पूरी तैयारी के साथ आए उनमें। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण है मित्रों, जो मैं हर कार्यक्रम में हर एकाग्र में कोशिश करता हूं कि हमारी विभिन्न भारतीय भाषाओं के लोग यहाँ आए, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में अनुवाद के माध्यम से या दूसरी तरीकों से जो हमारी आवाजाही है, जो हमारे जो पर्सनल भी संबंध है, वह सब यहाँ प्रकट हो सके और हम एक पूरे बृहत्तर परिवार के रूप में हमारा एक अपना परिदृश्य बन सके। ऐसे में मराठी से कृष्णा किंबहुने जी और सुषमा करोगल जी का वक्तव्य रहा, उन्होंने सितांशु जी की कविताओं पर बहुत ही सार्थक चर्चा की। इसी तरह फिल्म के क्षेत्र में केतन मेहता जी हमारे साथ आए और सितांशु जी के स्क्रिप्ट राइटिंग के कौशल और उनसे जुड़े अनुभवों को हमारे साथ रखा। इसी तरह रंजना अड़गड़े जी ने न सिर्फ उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है बल्कि स्वयं मित्रों सितांशु जी आ गए हैं। सितांशु जी जी, तीन ही बात जी अभी समाप्त भी करें। सबसे पहले नहीं, तो अरुण जी ने जी जी हाँ कहें आप प्लीज। सबसे पहले तो अरुण जी ने जो कहा वो हम सबकी ओर से, सब
यहाँ जो भावक है, बोलने वाले हैं सबके, तो अर्पण जी जो करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि समकालीन भारतीय साहित्य के लिए ये एक प्राणवायु समान है, और बहुत ही निस्वार्थ भाव से और बहुत कौशल्य से ये समूचे भारतीय साहित्य को निकट ला रहे हैं, और स्वयं कवि है, इतना समय इसमें देना वो कठिन भी होगा उनके लिए, उसके बावजूद ये करते हैं, तो सबकी ओर से अर्पण जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद। अभी जो कविता पत्नी ने, तो लंबी कविता है, तो उसका एक भाग मैं मेरे दोस्त के लिए पढ़ूंगा गुजराती में, और बाद में जटायु में से कुछ एक भाग पढ़ूंगा। जी स्वागत। पत्नी ने एक सोय दो रोले और खमीज साधवानी छे, बारी पासे नेतरनी खुर्शी में बेस, तारा अरीठे धोयेला वाल में सवार नो तड़को पड़े एम, आँखों बीड़ी तने जोई शकू ए रीते बेस, भूरा रंगनी रील ले दोरो तारा होठ वच्चे थी पसार कर एनो रंग बदली नाख, खमीस नु कापड़ तारा घूटण पर मुकी सोल वगर नु करी बराबर जो, नेतरनी नानकड़ी पेटी खोली बटन पसंद कर, पेटी बंद करी पछी मारी सामे जो, दोरो घूटण खमीस खुर्शी बटन बारी तड़को अने हूँ बराबर मैच था तने, बराबर मैच थता तने लागे एना जेटलू महत्वनु मारे माटे अत्यारे बीजू कशुज नथी, सोयमा दोरो परो मारू खमीस साधी दे। तो जैसा मारा खमीस फट जाता है तो गृहिणी सी देती है, ऐसे बहुत सी चीजें फट जाती है और वो अपने मुंह में से वो दोरा निकाल कर उसका रंग भी बदल सकती है, जादू जादू कर सकती है, और हमारा खमीस वो सी देती है, ऐसी है कविता। एक जो मैंने अनुवाद पढ़ा था वो ज्योत्सना मिलन का था, बहुत ही अच्छा अनुवाद, और इस कविता का अनुवाद गुलजार जी ने किया है, वो भी बहुत अच्छा है, वो उन्होंने पढ़ा भी है किसी एक जगह। तो अंत में संजू जो कहते हैं वो एक कभी कभी ऐसा, हम सब जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई एक कविता अच्छी तो बहुत होती है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए कारागार जैसी भी बन जाती है, क्योंकि हर जगह पैरोल पर मानो हम छूटे हो, और अंत में तो वो कारागार में जाना ही पड़ता है। ऐसे हर लेखक की कोई एक ऐसी कृति होती है कि जो जिसके पास उसे जाना ही पड़ता है, तो ये तो मैं थोड़ा हंसी में कहता हूँ, लेकिन सचमुच किसी को भी अपनी किसी भी कृति के मोह में नहीं पड़ जाना चाहिए। अभी लिखा, एक जंक्चर था जीवन का, और अच्छा किया, तो अभी आगे बढ़ो, लेकिन मैं जटायु पढ़कर समाप्त करूँगा। आख्यान कविता गुजराती की बड़ी परंपरा है, और प्रवाचीन काल में भी आख्यान लिखे गए हैं, लेकिन मध्यकाल में जो प्राचीन में से आख्यान के विषय लेते थे, तो मध्यकालीन कवि उसका अर्थ ही बदल देते थे, उसका सेमियोटिक ऑर्बिट बदल देते थे। हाउ मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी वॉज एंटायरली चेंज फ्रॉम एंशियंट इनटू मेडिवल पीरियड। तो प्रमाणंद के आख्यान पढ़ो तो रामायण महाभारत का जो अर्थ है उससे अलग ही अर्थ यहाँ आ जाता था, उस समय का अर्थ आता था। मैंने भी ऐसा ही प्रयत्न किया, पुनर्लेखन नहीं,
फिर से कहना नहीं, अनुवाद तो नहीं ही नहीं, लेकिन उसके पुर्जे भी बदल देना, उसका स्ट्रक्चर बदल देना और उसका सेमियोटिक ऑर्बिट बदल देना, वो मेरे लिए चैलेंज है। तो एक जटायु है, लेकिन रामायण के जटायु का जो सेमियोटिक ऑर्बिट है, उसका जो मीनिंग का भाव है, उससे बिल्कुल अलग ये है। तो इसलिए ये आज अवसर है, तो मैंने इतनी कहा। जटायु एक स्वागत। नगर अयोध्या उत्तरे ने दक्षिण नगरी लंक वच्चे सद सद ज्योति विहोणु वन पथरायु रंक धवल धर्म ज्योति अधर्मनो ज्योति रातो चोर वनमा लीलो अंधकार वनवासी खा खा खोर शबर वांदरा रीश हंस वड़ी हरण साप खिशकोला शुकपोपट ससला शियाल वरु मोर वागने होला वननो लीलो अंधकार जैम कहे तैम सव करे चरे फरे रति करे गर्भने धरे अवतरे मरे दर्पण सम जल होय तोय नव कोई जुए निज मुख बस तरस लागता अनुभवे पानी पीधानु सुख जैम आवे तैम जीव्या करे कई वधु न जाने रंक क्या ऊपर अयोध्या उत्तरे क्या दूर दक्षिणे लंक वनमा विविध वनस्पति यानी नौखी नौखी मजा विविध रसोनी लाण लो तो अमर नई पाप नई सजा पोपट शोधे मर्ची ने मद पतंगियानी गोत आंबो आपे कैरी ने देहनी डाळो फलती मौत केरी चाखे कोकिला ने जय घटा संताय पर मृत्यु फल ना भोगी गीधो बपोर मा देखाय जोत जाने वगर विचारे बैठा रे बहुकाल जीवन मरण वच्चेनी रेखानी पकड़ी ने डाळ डोक फरे डाबी जमणी पण एमनी एम ज काय जण एक ने बीजी बाजू वच्चे भेद नहीं पकड़ाए जेम ना भारे खम देहो ने मांड ऊंच के वायु एवा गीदोनी वच्चे एक गीत छे नाम जटायु। या उसका दूसरा खंड समाप्त तो होता है, लंबी कविता है पूरी, अभी समय बहुत हो गया है तो पूरी नहीं पढ़ता हूं। जी अभी समय भी पढ़ रहे हैं सबको जी, मैंने दो खंड पढ़े जी, दो खंड उसके पढ़े, अभी सबको घर भी जाना होगा या तो भोजन करने के लिए जाना होगा, तो लंबी कविता है, आगे मैं नहीं पढ़ता हूं, समाप्त करें। जी जी शुक्रिया सितांशु चंद्र जी, और हम अपने इस मंच की ओर से, अपने तमाम देखने सुनने वालों की ओर से, तमाम रचनाकार सृजनशील मित्रों की ओर से आपको पुनः कोटि कोटि बधाई देते हैं इस अवसर पर। और 80 वर्ष तो एक भौतिक गणना मात्र है, जिसकी बात कल कमल बोरा जी भी कर रहे थे। आप अपनी सक्रियता में, अपनी रचना धर्मिता में जिस तरह से सक्रिय हैं, वह तो कई कई मतलब लोगों को चौंकाने वाली बात हुई है, युवकों के लिए भी ईर्ष्या की वजह हो सकती है। आप आज इस कार्यक्रम में आए, काफी अच्छा लगा, और आपके आने से पूर्व जब अभी आपका कनेक्शन टूट गया था तो हम अपने उन वक्ताओं के नाम ले रहे थे जो हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए रहे। 16 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच जो स्पीकर्स हमारे यहाँ आए, एक बार मैं उनके नाम ले लूं। कृष्णा किम्बहुने जी, सुषमा करोगल जी मराठी की ओर से आए और बहुत ही विस्तार में जाकर और बहुत ही अपनत्व के भाव से आपकी कविताओं पर चर्चा हुई। अभी मैंने पूर्व में भी यह बात कही कि केतन मेहता जी ने किस तरह से आपके स्क्रिप्ट राइटर के पक्ष को हमारे सामने रखा। रंगना अड़गड़े जी लगातार आपसे जुड़ी रही हैं और आपकी कविताओं का गुजराती से हिंदी में अनुवाद भी किया है, तो अनुवादक का पक्ष और आलोचकीय पक्ष दोनों ही हमें देखने को मिले, न सिर्फ रंजना जी के यहाँ बल्कि यही बात हमें सुषमा करोगल जी के यहाँ भी दिखाई पड़ती। इसी तरह कल जो है पीयूष ठक्कर जी, प्रवीण पंड्या जी,
कमल बोरा जी और सतीश व्यास जी के सौजन्य से महत्वपूर्ण चर्चा हो सकी और गुजराती साहित्य, भारतीय साहित्य के जितने तेवर हो सकते हैं आपके रंगमंच को लेकर, आपके नाटकों पर चर्चा हुई, आपकी आलोचनात्मक जो आपका अवदान है उस पर चर्चा हुई। आज शाम में इस कार्यक्रम से पूर्व सुबोध सरकार जी का वक्तव्य रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य और कई पक्षों को समेटता हुआ वक्तव्य। और आज इस श्रृंखला की अंतिम और कड़ी में आदरणीय अरुण कमल जी और शीतांशु जी के बीच का यह संवाद लोगों को काफी समय तक याद रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और इस तरह से इन चार दिनों में हमने लगभग देश के 11 प्रमुख लेखकों को सुना मित्रों, और यह एक बहाना है किसी के जन्मदिन का कि हम इस बहाने इन अलग अलग भाषाओं के लोगों को, इन विद्वानों को एक मंच के साथ सुन सके। पुनः एक बार शीतांशु सचंद्र जी का और अरुण कमल जी का हार्दिक आभार, और आप सभी मित्रों का जो इतने लंबे समय तक हमसे जुड़े रहे, शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद।